तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के तीन ऐसे तरीके, या बोल सकते हैं तीन ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को स्पीड अप कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। ये जो तरीके हैं बहुत ही ईजी है और आपको इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ही ईजी तरीके है और ये मैं पहले भी सबको बता चुका हूँ और भी बताने वाला हूँ। ये आपको हमेशा अपने गैलेक्सी में करके रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप में से कुछ मेरे जो नए व्यू है अगर उन्होंने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं या बच्चों की नई अपडेट डालूं सबसे पहले आपको पता लगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे वे या तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है वो है वन यूआई अपडेट या फिर बोल सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी को अपडेट। तो दोस्तों सबसे पहले टिप यही है कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी को फुली अपडेटेड रखना है। कोई भी अपडेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मोबाइल में अपडेट आ चुका हो और आपने उसको अपडेट ही नहीं करा, तो इससे भी आपके मोबाइल की स्पीड पे फर्क पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आता है उसमें बग्स को फिक्स किया जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने मोबाइल में, वो भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाता है, तो उसको आपको अपडेट करके रखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि अपडेट कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो लगा के बता रहा हूँ। यहाँ पर साइड में आपको सेम वही प्रोसेस करना है और अपने अपने गैलेक्सी को आपको अपडेट करके रखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन। सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाने के बाद नीचे मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। और वहां पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो चेक फॉर अपडेट्स वहां पर दिखाने लग जाएगा। अगर कोई नया अपडेट आपके मोबाइल से अवेलेबल होगा तो वो बता देगा योर अपडेट, जैसे मेरा बता रहा है योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट। तो अगर आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो आपको बता देगा कि आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लेना ताकि आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती है, मेजर प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट से ही सॉल्यूशन हो जाती है। तो सबसे पहला तरीका यही था। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो भी बहुत काम का। होता क्या है दोस्तों, हमारे पास हमारे मोबाइल में कभी कभार आपने देखा होगा कि मोबाइल की जो टच स्क्रीन है या भी बोल सकते हैं टच सेंसिटिविटी कभी कभार बहुत स्लो काम करती है। हम टच करते हैं तो वो टच ही नहीं होता या टच चल ही नहीं रहा होता, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो उसका भी एक सोल्यूशन है, आप बोल सकते हैं उसकी भी एक टिप बताने वाला हूं। उसके लिए आपको करना क्या होता है, इसके दो कारण हो सकते हैं इस टच सेंसिटिविटी के। एक तो हो सकता है जो आपने स्क्रीन गार्ड के लगा के रखा हो वो काफी पुराना हो चुका हो, या फिर स्क्रीन गार्ड अगर आपने लेटेस्ट नया लगाया हो तो उसकी वजह से भी होता है। दूसरा, या फिर आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है काफी हद तक फुल है, तो उसको एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको करना क्या है, वापस मैं यहां पर एक वीडियो लगा के बता रहा हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहां जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। तो यहां जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले वाला। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा टच सेंसिटिविटी। आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के नीचे आपको मिलेगा टच सेंसिटिविटी वाला, आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने से ही काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसा कि यहां पर आप लिखा भी हुआ है, इंक्रीज द टच सेंसिटिविटी ऑफ द स्क्रीन फॉर यूज विथ स्क्रीन प्रोटेक्टर। अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसको ऑन करके रखना चाहिए, इससे आपकी काफी हद तक टच की प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी बहुत शानदार है। उसके बाद जो तीसरा बताने वाला हूं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। दोस्तों होता क्या है, हमारे साथ हम कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, कभी कभार हम अननोन ऐप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं। अननोन ऐप्स मतलब कि जो कि गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है या गैलेक्सी स्टोर पे नहीं है, आपने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, इंस्टॉल करके रखा हुआ है कहीं भी किसी वेबसाइट के थ्रू या कहीं किसी दोस्त ने शेयर कर दिया उसके थ्रू। बहुत सारी चीजें होती है, आपने कहीं से उसको डाउनलोड कर लिया, आपने नोटिस करा होगा कभी कोई आपने एक ऐप डाउनलोड करी और उसके बाद सडनली आपके मोबाइल में लाइक हैंगिंग की प्रॉब्लम आने लगी और भी बहुत सारे इश्यूज, हीटिंग के इश्यूज आने लगे या कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के इश्यूज आने लगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी ऐप इंस्टॉल होने का सडनली आपके साथ होने लगते हैं, आपको पता लग जाएगा अरे यार ये वाली मैंने ऐप जब से इंस्टॉल करी है मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये मैंने नोटिस करा हुआ है और ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ ये बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए भी आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ। पहले एक चीज बता दूं
कि आपको तो पहले अननोन चीज तो डाउनलोड करनी ही नहीं चाहिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है या गैलेक्सी स्टोर पे नहीं है, आपको उसको डाउनलोड करना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसी ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा है कि आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। उससे अनइंस्टॉल करने से होता क्या है, ऐसी जो एप्स होती हैं वो वायरस भी आपके मोबाइल में डाल सकती हैं और आजकल तो डेटा भी इधर से उधर भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको अननोन ऐप्स इंस्टॉल ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने करके रखी है तो ये आपने अपने रिस्क पे करके रखा हुआ है। साथ में आप क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपने मोबाइल में डिवाइस प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन है, उसको इनेबल करके रखना चाहिए। तो डिवाइस प्रोटेक्शन को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, वापस आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पे जाना होगा, वही मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो वापस आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के लिए यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आप नीचे तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस प्रोटेक्शन, जहां पर मेरे पास बता रहा है स्कैन नीडेड। आप देख रहे होंगे स्कैन नीडेड का ऑप्शन बता रहा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर तीन ऑप्शन यहां पर ऐसा दिखाने वाला है, जैसे दिखा रहा है मेरे पास लास्ट स्कैन मैंने करा था तो 29 मई को मैंने लास्ट स्कैन करा था। यहां पर क्या लिखा है, ये जो वर्क करता है एम कैफे के थ्रू, मतलब जो एम कैफे जो एंटीवायरस है उसके थ्रू ये काम करता है और आपके फोन में मालवेयर और सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, ये काम इसका है। तो आपको करना क्या है, ये अगर आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको इनेबल करना रहेगा। अगर आपको इनेबल करना, सिंपल प्रोसेस है, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे इनेबल, तब भी अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, यहां पर स्कैन फोन पे क्लिक कर देना है। ये जो एक्टिविटी है स्कैन फोन वाली, आपको मेरे हिसाब से वीकली या फिर हाफ मंथली या मंथली आपको इसको करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, ये सारी एप्स आपकी स्कैन कर लेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरे मोबाइल में जितनी भी एप्स इंस्टॉल्ड है सबको इंस्टॉल चेक करेगा और आपको बताएगा कि यार ये वाली ऐप मुझे लगता है कि ये आपके मोबाइल में सस्पिशियस एक्टिविटी या मालवेयर को हो सकती है, तो ये आपको बता देगा। आपको उस ऐप को अनइंस्टॉल करके रख लेना है, या फिर बोल सकते हैं अनइंस्टॉल कर देना है। तो बहुत ही अच्छा ये वाला फीचर है, ये क्या रखता है, पूरी ऐप्स को स्कैन करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कर भी रहा है। मेरी जितनी भी ऐप्स है सब आपको यहाँ धीरे धीरे मिल जाएंगी, सब आपको दिख जाएंगी। तो एक बार इसको कंटिन्यू होने देते हैं, लास्ट में आपको बताता हूँ कि अब लास्ट में क्या दिखने वाला है। फाइनली देख रहे हैं ये मेरा पूरा स्कैनिंग हो चुकी है, जैसी फुल स्कैनिंग होगी तो बता देगा नो थ्रेट पाउंड, मतलब कि कुछ भी आपके मोबाइल में मुझे ऐसा नहीं मिला जो आपके मोबाइल को हार्म कर सकता है। जैसा कि तो ऐसा जब आपके मोबाइल में आ रहा हो तो समझ लो आप फुली सेफ में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बता भी रहा है, आप बाहर बैक आएंगे तो आपको बता देगा नो थ्रेट पाउंड, जब स्कैन नीडेड थी तो स्कैन नीडेड बता रहा था। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तीन टिप बताए, ये आपको अपने मोबाइल में अगर आप फॉलो करके रखेंगे, कोई ज्यादा मैंने कोई एक्स्ट्रा टिप नहीं बताया, बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको इनको फॉलो रखेंगे तो काफी हद तक आप अपने मोबाइल को स्पीड अप कर सकते हैं। पहला मैंने बताया आपको अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है, दूसरा आपको अपने मोबाइल में टच सेंसिटिविटी को लगाना है, तीसरा आपको अपने मोबाइल में डिवाइस प्रोटेक्शन को ऑन कर लेना है। अगर आपको लगता है दोस्तों मैंने कुछ इसमें से कुछ छोड़ दिया या बोल सकते हैं कुछ सेटिंग मैंने छोड़ दिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको अपडेट मिले। तो थैंक यू दोस्तों।